अब आ जाते हैं, यहाँ पे थी मैं आपके इस पर। अब हम क्या कह रहे थे, यहाँ से वापस से एक बार कर देती हूँ ताकि बैक में भी रहे ध्यान। ये क्या कह रहा है, एनएमआर या क्वालिटेटिव एनालिसिस। एनएमआर या क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी आपको ये पता करना है क्वालिटी क्या है, क्वालिटी यानी आपने क्या बनाया है, ठीक है। जब आप इन है, ठीक है, आपके पास मिथाइल ग्रुप डिस्कवर किया है, आपने इथाइल ग्रुप डिस्कवर किया है, या आपने कोई और कंपाउंड डिस्कवर किया है, तो जैसा भी आपके प्रोटोन की वो आएगी, पीक आएगी या स्प्लिटिंग आएगी, उससे आपको पता पड़ेगा कि आपका कंपाउंड क्या है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप यानी इक्विवेलेंट, यानी आपके दो एक जैसे ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक ही एनवायरनमेंट है। अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप बीच में एंट्री मार जाता है, जैसे कि आपका CH2 ग्रुप बीच में आ जाता है, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका सिग्नल एक बनेगा, इन दोनों के सिग्नल एक जैसे बनेंगे, और इसका सिग्नल इसको और इसका सिग्नल इसको यहाँ पे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट जनरली कब होता है, जैसे आपके बीच में कोई ऑक्सीजन ग्रुप आ गया, नाइट्रोजन ग्रुप आ गया, या अमीन ग्रुप आ गया, तो इनके कारण क्या होता है, आपका जो सिग्नल 9 पे बन रहा था वो पहुंच जाएगा 7 पे या 10 पे, या आपका सिग्नल 3 पे बनना था पर वो पहुंच गया 5 पे 6 पे, यानी जहाँ उसको बनना था उससे आगे या पीछे चला गया। स्पिन स्प्लिटिंग यानी आपका क्या होता है कि आपके पास जो पीक है आपका, वो पीक क्या करता है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के कारण क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है एक दो या तीन में, 3, 5, 7, 8 ऐसे आपका स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इस मिथिलीन ग्रुप के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालेगा, और ये मिथिलीन ग्रुप क्या करेगा, इसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालेगा, तो एक की स्प्लिटिंग तो कितनी हो जाएगी, 4 में, और एक की स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी, 3 में। फिर आता है फ्रॉम द एरिया ऑफ द पीक्स। एरिया ऑफ द पीक यानी आपका पीक कितना चौड़ा है, उसकी इंटेंसिटी रेशियो क्या है। तो इसने कई जगह आपको इंटेंसिटी रेशियो दी है, कैसे आपको इसकी ये इसकी प्रोपेन की दे रहा है कि इसमें दो तरीके के ग्रुप्स हैं, एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक आपका CH2 यानी मिथिलीन ग्रुप है, तो इनकी इंटेंसिटी रेशियो क्या है, 6:2। 6:2 वैसे भी बता दो कि भाई आपके पास क्या है, ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये CH2 CH3, तो CH3 वाले हाइड्रोजन कितने हैं, एक जैसे हाइड्रोजन 6 हैं और अलग हाइड्रोजन कितने हैं, वो 2 हाइड्रोजन हैं, तो रेशियो क्या आ गई, 6:2। ब्यूटेन में क्या है, CH3 होगा, ठीक है, CH2 होगा, CH2 होगा और CH3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3, ये दो एक जैसे मिथाइल ग्रुप हैं, तो रेशियो कितनी आ गई, 6, और बाकी के दो जो हैं उनकी रेशियो कितनी आ गई, 4। यहाँ तक समझ में आए, लिखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये 4 पॉइंट्स भी लिख के आए हो क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो भी सफिशिएंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ये डायग्राम और बना दो, इसमें ये और बता दो कि भाई आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपका एंटी है, ठीक है, या वो हाइड्रोजन आपका गॉच है, ये भी आप क्या करोगे, NMR से डिटेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन देख लो, ये लिखी हुई है इसकी, ये क्या कह रहा है, द एंटी प्रोटॉन। यहाँ पे ये लाइन देख लो, इसमें द एंटी प्रोटॉन इज नॉट इक्विवेलेंट टू द गॉच प्रोटॉन्स। तो हमें पता है कि एंटी वाले में आपको NMR का अलग सिग्नल मिलेगा, गॉच वाले में आपको NMR का अलग सिग्नल मिलेगा। कई लोग गॉच बोलते हैं, कई लोग गॉच बोलते हैं, तो मैं तो गॉच बोलती हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मतलब आपको अपनी एक एक लाइन अपने डायग्राम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना इसमें कि भाई ये इस तरीके से शो करता है, ठीक है। ये हुई इसकी, क्या कहता है, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आती है। अब आप इसमें चाहो तो ये भी डायग्राम ड्रॉ करके आप ये बता सकते हो कि भाई एक इसमें क्या था, प्रोटॉन इक्विटोरियल था और एक प्रोटॉन क्या था, एक्सियल था। तो इक्विटोरियल प्रोटॉन का पीक और एक्सियल प्रोटॉन का पीक दोनों का अलग अलग पॉइंट्स पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक पूरी क्या मिल जाती है, एक पिक्चर मिल जाती है पीक के थ्रू। मतलब पहली लाइन यही लिखना कि आपको क्या, ये जो पीक्स आते हैं NMR के, जो सिग्नल आते हैं बाय द केमिकल शिफ्ट, बाय द स्प्लिटिंग, ठीक है, और बाय द इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन्स, आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट टू नो द पिक्चर ऑफ द सैम्पल दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू। वो पिक्चर क्या है, वो उसकी क्वालिटी है, वो कैसा दिखता है, ठीक है। फिर आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी आप पता करनी है। अब क्वांटिटी पता करनी है तो आप वही वाला एग्जांपल ले लो जिसमें कि आपके पास CH3 है, ठीक
ठीक है, सी एच टू है, फिर सी एच टू है और ये सी एच थ्री है। तो अब आपको क्वांटिटी पता करनी है, तो क्वांटिटी में आप ये पता कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास ये है, आपको पीक का एरिया पता बता दिया जाए कि पीक का एरिया कितना आ रहा है, 6 is to 4 आ रहा है। तो पीक का एरिया देख के ही आप बता दोगे कि भाई इसमें इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन सैंपल प्रेजेंट है। केमिकल शिफ्ट से वो सैंपल किधर की तरफ चला गया, यहाँ देखो एक लाइन लिखी है, यहाँ देखो क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। इसमें बैंड्स कहाँ कहाँ बनेंगे, एक बनेगा 2.73 पे, एक बनेगा 8.56 टॉप पे, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन रिस्पेक्टिवली। तो बेंजीन का पीक ठीक है और साइक्लोहेक्सेन का मिक्सचर, इन दोनों का हमने क्या किया, मिक्सचर लिया, इनका बैंड हमें कहाँ मिलेगा, एक का बैंड मिलेगा 2.73 और एक बैंड मिलेगा 8.56। तो जो इंटीग्रेटेड एरिया है यानी जो बीच का एरिया है, वो बीच का एरिया क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। बाकी जो लेटर बैंड है, जो पीछे वाला है, ये 8.56 वाला है, वो बैंड क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 12 प्रोटॉन्स। यानी आपको जो एरिया मिलेगा, एक एरिया आपको मिलेगा 6 प्रोटॉन्स के बराबर थिकनेस का, एक एरिया आपको मिलेगा 12 प्रोटॉन्स के बराबर थिकनेस का। तो 6 किस में होते हैं बच्चों, C6H6 बेंजीन हो गया और C6H12 आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो आपका पीक रेशो क्या आ गया, या तो आप 1:2 ले लो, ठीक है, बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, या फिर आप साइक्लोहेक्सेन टू बेंजीन का 2:1 का रेशो आ जाएगा। तो जब भी आपका रेशो ये जो आ रहा है, जो पीक्स के आपकी थिकनेस आ रही है, उस थिकनेस से आप क्या करोगे, क्वांटिटी बता दोगे कि भाई ये मेरे पास सैंपल में ये वाला कंपाउंड इतना प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी इसकी कहीं ज़रूरत नहीं है, आगे इसको छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा आपसे और कोई देखेगा भी नहीं इसको, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं, तीसरी लाइन में ये बस एक ये लिख लो कि यहाँ से लिखो कि विद द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स गिविंग राइज टू दिस इंटीग्रेटेड एरिया द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द nth कंपोनेंट कैन बी इवेल्यूएटेड। ये नॉन टर्म हटा दो। अब आप क्या है, आपको पता है कि भाई ये जो इंटीग्रेटेड एरिया था, ये कितना आ रहा है, 6 के रेशियो में आ रहा है, 6 times डबल हो रहा है, तो वो आपका बेंजीन आ रहा है, और 12 times अगर आ रहा है तो वो आपका क्या आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन आ रहा है, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूला की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं, एक दे रखा है और एक ही एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। इस पीक में क्या कह रहा है कि इन सम केसेस द पीक हाइट्स रादर देन एरियाज कैन बी कोरिलेटेड विद द कंपोजिशन। तो आपका क्या है, जहाँ पे आपकी हाइट आ रही है, जहाँ पे पीक की लिए लेंथ आ रही है, किस लेंथ तक आ रहा है ये पीक, तो वहाँ से भी आपके पास आपका सैंपल का एनालिसिस किया जा सकता है। आपको ज़्यादा इसमें ये बताना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप एक का टेबल यहाँ पे याद करके दे सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इतना भी लिखे आओगे, कंपोजिशन तक भी लिखे आओगे, और वो वाली लाइंस जो 3-4 लाइंस है, उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका सफिशिएंट है। क्वांटिटी बतानी है तो क्वांटिटी में आपको एक एग्जांपल चाहो तो ये वाला ले लो, ये ज़्यादा बेटर एग्जांपल है, इथेनॉल का, C2H5OH का, ठीक है। तो इसमें आपकी हाइट्स जो आ रही हैं वो 1.9 आती है, ये कैलकुलेटेड हाइट्स जो उसने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करी है वो 2.02 आती है, और NMR से कितनी आ जाएगी, 32.3। तो NMR डेटा की जो कॉम्पोजिशन है, उस डेटा कॉम्पोजिशन से आप जैसे आपको रेफरेंस दिया जाता है, उस रेफरेंस से आपको, वैसे भी रेफरेंस तो यहाँ पे यूज़ करना ही पड़ता है, तो वो रेफरेंस टेबल से आपका कंप्यूटर एनालाइज कर लेता है कि भैया कंपाउंड क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। फिर आता है, इसी में एक लाइन आती है, इट इज़ यूजफुल इन एनालाइजिंग अ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स। आइसोमेरिक कंपाउंड्स जैसे कि ऑर्थो और पैराजाइलिन। तो हमें भी पता है कि ऑर्थो और पैराजाइलिन, ऑर्थो में क्या होगा, ऑर्थो वाले में आपका ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपके दोनों मिथाइल ग्रुप इधर ही जुड़ेंगे, यही होता है ना ज़ाइलिन, ठीक है। और पैरा वाले में क्या आ जाएगा, पैरा वाले में आपके पास यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके का सैंपल दे रखा है, और आपको क्या होगा, इसी में आपको दो अलग अलग पीक मिलेंगे भाई। एक तो ये हो जाएगा कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप पास पास है, अलग पीक देगा। एक ये है कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पहुँच गया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पहुँच गया, तो ये आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल पीक देगा, यानी इक्विवेलेंट प्रोटॉन वाला पीक देगा,
ठीक है, तो जब भी आपका ज़ाइलिन है आपको पता लग गया कि इतने नंबर ऑफ़ पीक है, अब आप ये देखो कि उसमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं। जैसे ही आपको पता लग गए आपका सैंपल एनालाइज हो जाता है, ठीक है। फिर इसी में आपका स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग वही चीज़ बार बार रिपीट करेगा, तो आपको चार चीज़ें, तीन चीज़ें दिमाग में हमेशा रखना। पहली आएगी NMR सैंपल सिग्नल इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की, दूसरा आएगा कि आपके पास स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कितनी हो रही है, तीसरा आएगा कि आपका जो पीक है वो केमिकली शिफ्ट कितना हो रहा है। ये तीन चीज़ें अगर आप घुमा फिरा के भी इस क्वांटिटेटिव वाले में भी लिख दोगे तो भी वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि हम भी ऐसे ही लिख कर आते थे, ठीक है। मतलब हम भी तुम्हारी लेवल को एग्ज़ाम्पल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन छोड़ दो, क्योंकि उससे वो कोई नहीं पूछेगा और ना किसी को याद होती है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं आ रहे IIT वाले जो आपके पेपर चेक करेंगे, ठीक है। तो जितना आपको थ्योरेटिकली आप वहाँ लिख के आ सकते हो उतना ही लिख दो। इनकेस अगर आपको कैलकुलेशन लिखनी है तो ये मैटर मैं आपके पास दे रही हूँ, हमने नहीं लिखा था, हमने तो सिर्फ वहीं लिख के आते थे कि आइसोमेरिक पीक डिटरमाइन हो गया क्वांटिटेटिव में, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो गया, उसका एक बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एक में 6 का रेशो आ रहा है और एक में 12 का रेशो इंटीग्रेटेड पीक पे आ रहा है, बस इतना ही लिख कर आए थे हम, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात करते हैं, ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसका सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वो क्या कहता है कि जब प्रोटॉन सिग्नल है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लो फील्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिग्नल आपका कहाँ चला जाएगा, लो फील्ड में चला जाएगा। क्यों लो फील्ड में चला जाएगा, रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो वो शिफ्ट हो जाता है बॉन्ड बनाने में, तो हाइड्रोजन की जो शील्डिंग है वो शील्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हाइड्रोजन की शील्डिंग क्या हुई, डिक्रीज हो गई, तो आपका सिग्नल कहाँ चला गया, लो फील्ड में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर सिग्नल में अप फील्ड शिफ्ट होता है, तो अप फील्ड शिफ्ट का क्या मतलब है कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स है, वो क्या हो रहे, टूट रहे हैं। जब बनेगा तो लो फील्ड हो जाएगा, जब टूटेगा तो अप फील्ड हो जाएगा। और इतना यहाँ तक लिखना आपके लिए सफिशेंट है, इससे ज़्यादा इसमें मत लिखना, ये कुछ मत लिखना, नाइडर बर्नस्टीन पेपर, ये कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें दो लाइनें और लिखनी है आपको। क्या लाइनें लिखनी है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डिपेंड करती है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे, एक डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी पे, और एक लॉन्ग रेंज शील्डिंग पे। क्या है ये सारे, ये कहता है कि भाई जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहता है कि डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी होगा, डायमैग्नेट कब होता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, उसे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा कि डायमैग्नेटिक के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तीसरा आता है चेंजेस इन लॉन्ग रेंज शील्डिंग, तो चेंजेस इन लॉन्ग रेंज शील्डिंग कब होगी, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी ये जो चेंज है, ये चेंज कहाँ जा रहा है, लॉन्ग रेंज कहाँ जा रहा है, वो आपका शॉर्ट रेंज पे शिफ्ट हो जाता है। यानी शील्डिंग जो है वो क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस होते हैं। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स आपके कंपाउंड में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, ठीक है, या फ्लोरीन या क्लोरीन, ये जरूर प्रेजेंट है, ठीक है, समझ आया। यह रहा है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाले में, बच्चे एक मिनट, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका दे रहा है, टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड का। टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड का जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो L क्या है, L यहाँ पे लीगेंड है, ठीक है, इस पूरे इसमें L लीगेंड है। ये कहता है कि जैसे कि पहले केमिस्ट ने क्या किया था, टंगस्टन एटम को 7 कोऑर्डिनेट माना था, तो 7 कोऑर्डिनेट को इन्होंने जब फ्लोरीन 19 NMR से इसको ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पे तीन लाइन आ रही है, इंटेंसिटी आ रही है 4:1:1, तो 4:1:1 7 कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में नहीं बनता है। किस में बनेगा, जब आपका, क्योंकि ये फ्लोरीन है, आप तुमको बोलोगे कि भाई फ्लोरीन क्यों लिया, हम तो हाइड्रोजन NMR पढ़ रहे हैं, तो भाई पढ़ते हम हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एनएमआर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके केस में आपके पास फ्लोरीन का भी कोई एग्जांपल आता है तो आप उसको पहले तो इसको एनएमआर ही पढ़ोगे। ये जनरल एग्जांपल्स हैं सारे एनएमआर के, ठीक है। इसमें से जो अब तक करे वो सब आपके 1H एनएमआर वाले थे, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके मिक्स आ जाएंगे, फ्लोरीन 19 का आ जाएगा और लास्ट में शायद एक कार्बन 13 का भी आएगा। कार्बन 13 के और भी एग्जांपल मैं आपको बाद में कराऊंगी, पर पहले अभी बेसिक कर लेते हैं। तो अभी क्या कहता है कि जब फ्लोरीन 19 का है तो फ्लोरीन 19 में आपको जो टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड है उसने क्या किया, उसने 7 कोऑर्डिनेट का उसको लीगेंड बना दिया, पर इसने फ्लोरीन यहाँ पे यूज़ करी, यानी एक फ्लोरीन को उसने क्या कर लिया, 19 वाला फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब 19 फ्लोरीन ले लिया तो यहाँ पे क्या करेगा कि इसको जो रेशो मिली वो 4:1:1 की मिली, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये फ्लोरीन आपका 5 है, तब जाके आपको 4, 5 और 6 टोटल नंबर ऑफ 6 पीक मिले। अगर 7 कोऑर्डिनेट होता तो 7 पीक मिलते, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ SOF4 है। इस SOF4 में ये क्या कहता है कि ये मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट है और एक ही सिग्नल मिलेगा, तो इक्विवेलेंट हमें पता पड़ गया कि ऑक्सीजन क्या है, प्लेन के ऊपर है, इसीलिए हमें ये चारों जो प्लेन में प्रेजेंट है इनका एक ही सिग्नल मिलता है, ठीक है। फिर आता है CLF3 का। CLF3 में ये क्या कहता है, दो तरीके के आपको सिग्नल मिलेंगे। दो तरीके के क्यों, क्योंकि एक फ्लोरीन क्या है, प्लेन के ऊपर है और बाकी दो फ्लोरीन आपके प्लेन में है, इसीलिए इसका सिग्नल आपका ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दो तरीके के आपको फ्लोरीन मिल जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ HF2, अब क्योंकि हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, आप हाइड्रोजन भी यूज हाइड्रोजन NMR में इसको दे सकते हो, ठीक है, तो आप इसको फ्लोरीन NMR में भी दे सकते हो। तो HF2 माइनस है, तो HF2 माइनस में आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल है, यानी दोनों फ्लोरीन आपके क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो एक ही सिग्नल मिल रहा है। अगर दो प्लेन में होते तो दो सिग्नल मिलते, ठीक है। यहाँ तक लिंकेज आइसोमेरिज्म ये क्या कहता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे आप सिर्फ इतना सा बता दो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आपको लिंकेज आइसोमर की भी अलग अलग पीक्स देगा, ठीक है। लिंकेज आइसोमर में एक एग्जांपल ये ले लो, प्लेटिनम का एसिटाइल एसिटेट का, ठीक है। इसमें आपका क्या है, ये आपको तीन तरीके के मिथाइल पीक दे रहा है, 8.3794 और 8.08, यानी ये आपको क्या करेगा, यार इसमें तीन मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया इसका, दूसरा ये क्या कहता है, एक पीक देता है माइनस का 2.47 टॉप पे, यानी ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन है। तो बस इतना सा ही लिख के आ जाना, इससे ज़्यादा मत लिखना इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। दूसरा एग्जांपल दे रखा है इसका CDCl3 का। तो आपको एसिटाइल एसिटेट में क्या है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप आता है एसिटाइल ग्रुप में, CH3COO-, तो यहाँ पे जब अगर आपको कार्बन 13 वाले में देना हो तो भी आप इसमें ये एग्जांपल दे सकते हो, आपको हाइड्रोजन 1H NMR वाले में देना हो तो भी आप ये एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। इसलिए साथ के साथ बताती चल रही हूँ कि इनकेस आपको एक एग्जांपल यहाँ पे ध्यान है तो आप इसको वहाँ यूज़ कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा और कोई गलत कर भी नहीं सकता इसको, ठीक है। फिर आता है आपका लीगेंड आइसोमेरिज्म। लीगेंड आइसोमेरिज्म में आप क्या करोगे, लीगेंड यानी आपको क्या करना है, लीगेंड लगाना है। तो लीगेंड लगाने के लिए आप इसमें यहाँ से लो इसको, यहाँ से करो कि फ्रॉम द NMR डेटा, ठीक है, इट ऑल्सो की जगह फ्रॉम द NMR डेटा इट फॉलोज दैट लीगेंड आइसोमेरिजेशन इज एन इंटरमोलिक्यूलर प्रोसेस, ठीक है, यानी अंदर उसको मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है आइसोमर, अंदर मतलब इंटरचेंज हो रहा है आइसोमर, ठीक है। और डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ द कंपाउंड, या कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स ले लो या कोबाल्ट चीलेट ले लो यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे बस ये नाम लिखो कि दिस प्रोपोर्शनेशन ऑफ द कोबाल्ट चीलेट इन्वॉल्व्स अ लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आपको यहाँ तक ही इसको लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखो। सिर्फ ये बता रहा है कि जब लिगेंड आइसोमेरिज्म है उसने NMR स्पेक्ट्रा लगाया, NMR से उसको जो सैंपल्स मिले, जो पीक्स मिले, उसने एक नॉर्मल क्रोमियम कीलेट को भी देखा, उसने कोबाल्ट कीलेट को भी देखा,
और उसने जब कंपैरिजन किया तो उसने ये देखा कि कोबाल्ट हीलेट में इंटरमॉलिक्यूलर और डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है, तो आइसोमर उसमें कोबाल्ट हीलेट में बन रहे हैं, क्रोमियम में नहीं बन रहे। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन हमें सबको पता है, पॉलीइथिलीन तो पता है ना, जिसको पॉलीथीन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पॉलीइथिलीन में ये क्या कर रहा है कि जब इसने इसका एनएमआर लिया, इसको दो तरीके की लाइंस दिखी। तो दो तरीके की लाइंस क्यों दिखी, एक तो इसको दिख रही है नैरो और एक दिख रही है ब्रॉड, और दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो ये इसका क्या बता रहा है, ये रीज़न देता है कि भाई जो पॉलीइथिलीन है उसको हम अमॉर्फस फेज में ज़्यादा मानते हैं, और कुछ हद तक ब्रॉड कंपोनेंट जो है वो क्रिस्टलाइन फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी किसका पार्ट हो गया, ये भी आप इसको ये क्वालिटेटिव में इसको लिया जा सकता है। ठीक है, अलग से लिख सकते हो, अलग से भी लिख लो, और वैसे क्वालिटेटिव में भी आप इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म तो पता है सबको, टोटोमेरी लगती है। कीटो इनॉल में क्या हो रहा है, आपका ये जो सी ओ ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सी एच ओ ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कीटो है, कीटो के पास में कितना हो जाएगा, मिथाइलो मिथिलीन का रेशियो आपका 3:1 हो जाएगा। कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप में हमारे पास क्या है भाई, एक यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे और तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मिथिलीन का यहाँ पे कितना है, ये 1, 2, 3, 4, सॉरी ये 3:2 का रेशियो 2 है ये, है ना। और फिर यहाँ पे कितना है, ये तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और इधर भी तीन है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप में रेशो आ रहा है 3:1, ठीक है, और इनॉल ग्रुप में रेशो आ रहा है आपका 6:1। किसकी रेशो, मिथाइल ग्रुप की और मिथिलीन प्रोटॉन्स की। ठीक है, आई समझ में। आप कहोगे कि भाई ये 3:1 कैसे आ रहा है, 3:1 ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे देखो, ये मिथाइल ग्रुप एक है, ये मिथाइल ग्रुप एक है, दोनों मिला के टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। मिथिलीन ग्रुप के हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो जब काटोगे तो रेशो क्या आई, 3:1। अब यहाँ पे देखिए, मिथाइल ग्रुप के कितने हाइड्रोजन है, 6 है, ठीक है, और यहाँ पे मिथिलीन ग्रुप तो है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई और ही ग्रुप है, मिथिलीन का भी एक हाइड्रोजन गायब है, तो कितने हैं, 6:2। आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर कन्वर्जन का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पर ये इम्पोर्टेंट किस पे है, ये फ्लोरीन का इसने एग्जांपल दिया, इसने फ्लोरीन 19, बच्चों माइक ऑफ करो प्लीज, फ्लोरीन, बच्चों माइक ऑफ करो, बातें हैं। जब फ्लोरीन 19 में पूछता तो ये आपको क्या कहता है कि भाई इसने PF5 का एग्जांपल लिया है। PF5 का क्यों लिया है, क्योंकि PF5 में आपके तीन फ्लोरीन जो होते हैं ये क्या होता है, प्लैनर होते हैं, और दो फ्लोरीन आपके क्या होते हैं, आपके अबव और बिलो द प्लेन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करते हो ना, sp3d, यही हाइब्रिडाइजेशन आती है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो उस कंडीशन में ये क्या कहता है कि फ्लोरीन 19 का जब इसने यूज़ किया तो इसको क्या मिला, कि इसको मिला 1:1 का डबलेट मिला। ठीक है, तो 1:1 का डबलेट मिला, तो उसको ये समझ आया कि भाई यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन हमारे पास क्या हो रहे हैं, दो अलग अलग तरीके के हमारे पास फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, पर ये फ्लोरीन प्रेजेंट अलग अलग तरीके के है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लोरीन का ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, ये फ्लोरीन का नंबर देखते हुए हम अभी क्या कर रहे थे कि भाई प्लैनर की अलग बन जाती है और इक्वेटोरियल की अलग बन जाती है, पर ये फ्लोरीन क्या करते हैं, ये आपस में इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस। ये देखो, 1 कहाँ चला गया, 4 की तरफ, ठीक है, 2 कहाँ आ गया, 3 की तरफ। तो जब ये पूरे मॉलिक्यूल पे घूम रहे हैं, तो घूमने में इन्हें क्या पता कि हम पे हमें कौन सा सिग्नल देना है, ये सारे एक जैसे ही बिहेव कर रहे हैं, और आपको एक सिग्नल यहाँ पे ओवरऑल मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे कितना लिखना है, लिखना देख लो, लिखने में आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपको यहाँ से लेना है कि जब हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया किसका, PF5 का, इट शुड गिव डिफरेंट एनएमआर सिग्नल्स, पर ये नहीं देता, इट शोज़ अ 1:1 डबलेट।
ठीक है, तो 1:1 डबलेट दे रहा है, तो इसने फ्लोरीन 19 हटा दिया, फिर इसने क्या यूज़ किया, फॉस्फोरस 31 यूज़ किया। जब फॉस्फोरस 31 यूज़ किया तो इसने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस 31 है, यहाँ से ले लेना कि ये वाली लाइन लेना, कि इसने इसको ये वाली लाइन ले लेना कि 5 फ्लोरिन्स आर इक्विवेलेंट एंड देयर सिग्नल इज स्प्लिटेड टू अ डबलेट बाय कपलिंग विद फॉस्फोरस 31, दोनों का हाफ ऑफ स्पिन हो जाएगा, तो फॉस्फोरस इन फ्लोरिन के सिग्नल्स को स्प्लिट अप कर देगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, यहाँ तक ले लो स्पिन हाफ तक, फिर ये क्या कहता है, यहाँ से आ जाओ, इन PF5 देयर अकर्स इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, और ये रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं टू प्रिवेंट द अपियरेंस ऑफ द सेपरेट सिग्नल्स और दिस बिहेवियर इज नोन एज सूडो रोटेशन। बस यही तक करके अगर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो इसमें मार्क्स नहीं कटते, इसमें आप अगर लिख भी आओगे तो भी सफिशेंट है, ठीक है। डायग्राम से क्या होता है, एग्जामिनर की थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है, उसे पढ़ना कम पड़ता है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छी बात होती है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज इफेक्ट। अब एक्सचेंज इफेक्ट में ये क्या कहता है कि भाई हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है सैंपल की, उस सैंपल में ये क्या करेगा, अगर इसको एक पर्टिकुलर सेम टाइप का एनवायरनमेंट मिल जाए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज इफेक्ट में जैसे इसने ये वाला एग्जाम्पल ले लेना, इसमें तो एग्जाम्पल लेके समझाना, इसमें ये बताना कि भाई जो आपका एसिटो एसिटिक एसिड है, ठीक है, और वाटर है, ये क्या करेगा, वाटर का ये जो प्रोटॉन है ये इसके अंदर एंटर हो जाता है, यानी एक्सचेंज इफेक्ट, यानी इसके अंदर चला जाएगा, तो CO ग्रुप जो है वो आपका COH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सिग्नल है, आप सिर्फ यही एग्जाम्पल देना, इस एग्जाम्पल में फिर आपको ये बताना है कि भाई आपका ये जो मिथाइल प्रोटॉन्स है, ये मिथाइल प्रोटॉन जो है इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग फ्रॉम A to B, ठीक है, और उनका जो मीन लाइफ टाइम है, यानी कितनी देर तक वो स्थिर रहते हैं, ठीक है, मीन लाइफ टाइम जो है टॉ जो है वो आपका क्या है, इट इज़ लॉन्ग एज कम्पेयर टू द ट्रांजिशन बिटवीन द लोअर एंड, इसको यहीं तक छोड़ दो, इट इज़ कंपेरेटिवली लॉन्गर, ठीक है। अब कंपेरेटिवली लॉन्गर में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेन लाइफ टाइम टॉ है, अगर ये शॉर्ट है, ये कम हो जाता है, तो आपका जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन आपका कहाँ हो रहा है, लोअर और अपर मैग्नेटिक एनर्जी स्टेट्स में, या इसको छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, आप बस यहीं तक लिखो इसको कि ये जो इंटरचेंज हो रहा है, ये वाटर इसमें अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, और रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होने में जो टॉ है, जो मीन लाइफ टाइम है, कितनी देर तक आपको सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, वो लाइफ टाइम क्या हो रहा है, इट इज़ मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, बस यही लाइन लिखना है इसमें, इससे ज़्यादा मत लिखो इसको, यहीं तक लिख के छोड़ दो इसको, इट इज़ मच लॉन्गर, लॉन्गर के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये लिख दो एज कम्पेयर्ड टू द नॉर्मल या इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। Yes. याद कर लो, इसमें आपको 2-3 फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आप क्या लगाओ, फ्रॉम द इसमें लगाओ कि इट इज़ इन रेफरेंस टू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, फिर ये आप लगा दो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है हमारा, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच अपॉन 2π × डेल्टा टी। अब यहाँ पे जब आप करोगे, ये जो डेल्टा टी है, क्योंकि ये टाइम होता है, तो ये टाइम यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में आपको टॉ के फॉर्म में शो किया गया है, ठीक है, तो इसको आप इधर यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप यही लिखो कि भाई ये जो मीन लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम हमने टॉ से रिप्रेजेंट कर दिया, इट इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन 2π, और जब हम इसको करेंगे तो जब इसके लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आ जाएगी, वी विल गेट टू नो डेल्टा ओमेगा, इस इक्वेशन पे आ जाओ, डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा ओमेगा इज द विड्थ ऑफ द बैंड, ठीक है, ठीक है। 8th पॉइंट जो है, जब आपने एक्सचेंज रिएक्शन लिख दिया, तो एक्सचेंज रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, आप मॉलिक्यूल्स के बीच में ही तो कर रहे हो, तो वहाँ आपने वाटर वाला एग्जांपल दिया, यहाँ आप इथेनॉल और इथेनॉल वाला एग्जांपल देके यहाँ भी वही लाइंस उसको एज सच ही लिख दो, सिर्फ अपने एग्जाम्पल का नाम चेंज कर देना, इथेनॉल और इथेनॉल की आपस में हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रही है, इंटरलिंकिंग हो रही है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, हेलो, आवाज़ आ रही है? चेंज रिएक्शन की वही सारी चीज़ें आप बस इसमें डाल देना और यहाँ पे ऐड कर देना ये वाली लाइन, द इवेल्यूएशन ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट फ्रॉम द लाइन ब्रॉडनिंग मेजरमेंट्स इज ईजी फॉर द मॉलिक्यूल्स विद सिंपल NMR स्पेक्ट्रा। ठीक है बच्चा, एक मिनट। हेलो, हाँ कीर्ति, बस 2 मिनट में लिंक सेंड कर रही हूँ बेटे। हाँ करिए। अच्छा हाँ बच्चों, तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास 2-3 एप्लीकेशंस और रह गई हैं। पहला है आपका डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो भाई हमें भी पता है कि क्या होती है, कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को एक्साइट करते हैं उस वक्त जो एनर्जी होती है, तो आप एक लाइन एक्टिवेशन एनर्जी की इसमें डाल देना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल इसमें याद रखना क्या है, ये आपका डाईमिथाइल एसिटामाइड। डाईमिथाइल क्यों है, क्योंकि ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एसिटामाइड ग्रुप है। ठीक है, CH3COOH ग्रुप। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें ये क्या कहता है कि यहाँ पे एक तो स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होगी, नंबर वन। ठीक है, और इसका जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम आपको किस पे मिल रहा है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहा है। तो जब हम -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको देख रहे हैं, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या आ रहा है, इसका सिंगल पीक आ रहा है। ठीक है, और ये जो सिंगल पीक है और इसके साथ में क्या आ रहा है, एक डबलेट आ रहा है। तो यानी एक सिंगल पीक तो क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप का आ गया, और एक डबलेट आ गया वो आपका, आपके मिथाइल ग्रुप्स का, एक जैसे एनवायरनमेंट का एक इसका आ गया। ठीक है, तो एक पीक हुआ, वो पीक किस में स्प्लिट है, आपके डबलेट में। आया समझ में? ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, यानी एक मिथाइल ग्रुप हमारे पास ये है और एक मिथाइल ग्रुप इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। दैट मींस दोनों मिथाइल ग्रुप्स आपके क्या है, ये दोनों आपके नॉन इक्विवेलेंट है। बस यहीं तक लिख के इसका बंद कर दे। DMA इज इंक्रीज द पीक्स ऑफ द डबलेट, ये डबलेट क्या हो जाएगा, ये ब्रॉडन हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दूसरी लाइन आपको और लिखनी है, और लास्ट में आ जाओ कि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दी अरेनियस इक्वेशन। आप चाहो तो अरेनियस इक्वेशन लिख दो, अच्छा है, लिखना भी चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, इनकी भी कहीं भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, के वाली ये जरूर लिख लेना कि वे के इज इक्वल्स टू 1/2 tau। तो क्या है आपका, रिलैक्सेशन टाइम। तो जब के की, क्योंकि के अगर आप आरएनएस इक्वेशन लिख रहे हो यहाँ पे, तो के की वैल्यू क्या है, रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप इस आरएनएस इक्वेशन में इनपुट करके यू कैन फाइंड आउट दी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आई समझ। एनालिसिस, अब भाई एलिमेंटल एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्वालिटेटिव में वो पूरा कंपाउंड बता रहा है, एलिमेंटल में वो एलिमेंट बता देगा। तो NMR कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम 1H NMR ही यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, आप फ्लोरीन 19 भी यूज़ करते हो, आप फॉस्फोरस 35 भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो आप कार्बन 13 भी यूज़ करते हो। तो ये सारे क्या है, ये खुद भी तो एलिमेंट ही हैं। तो जब भी ये प्रेजेंट होंगे, तो आपका जो प्रोटॉन के पीक है, ये प्रोटॉन का पीक आपका उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेगा, इंटेंसिटी और उसका जो स्प्लिटिंग है, वो स्प्लिटिंग आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बता देगा कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या इतने नंबर ऑफ फॉस्फोरस या इतने नंबर ऑफ फ्लोरीन या इतने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप यहीं से लिख दो इसको, द इंटीग्रेटेड NMR इंटेंसिटीज ऑफ द प्रोटॉन पीक्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये छोड़ दो, एंड है कंक्लूड दैट एक्यूरेट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इज पॉसिबल। तो आप हाइड्रोजन के अलावा आप फ्लोरीन फॉस्फोरस ये भी डाल सकते हो। रेट ऑफ़ रिएक्शन, भाई अब रेट ऑफ़ रिएक्शन के लिए आप यही वाला एग्जांपल लेके यहाँ से ये जो के है, आप यहाँ पे 2 लाइनें लिख दो कि भाई वी कैन डिटरमाइन द tau यानी रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम इज़ इनपुट इनटू द इक्वेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट के एस 1/2
तो यहाँ से जब टॉ की वैल्यू पता हो गई तो 1/2 लगा के कि हम रेट कांस्टेंट के तो निकाल ही सकते हैं। तो इस पूरी लाइन को आप लिखो ना लिखो, आप सिर्फ ये लिख लो कि भाई वी नो दैट रिलैक्सेशन टाइम इज टॉ दैट इज कैलकुलेटेड फॉर द NMR सिग्नल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। यही इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, यही इक्वेशन आप यहाँ भी लिख लो कि k इक्वल्स टू 1/2 टॉ वी कैन फाइंड आउट द रेट कॉन्स्टेंट। इसके अलावा